हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं निंसी मजिद्रा आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बात करने वाली हूँ ब्लीच के लिए। हाँ दोस्तों, अगर हम बार ब्लीच करते हैं तो केमिकल वाली ब्लीच होती है जिससे हमारा चेहरा खराब भी हो सकता है। तो आज मैं आपको ऐसा घर पे ही ब्लीच बनाना सिखाने जा रही हूँ जिससे आप कभी भी कर सकते हो। और मैं आज जो ब्लीच के बारे में बात कर रही हूँ वो मैं आप जो भी यहाँ सामग्री यूज करती हूँ वो आपको पहले से यूज कर लेनी है और आपको वो सूट करती है तभी आपको ये ब्लीच करना है। दोस्तों, आप इस ब्लीच को आप कभी भी कर सकते हो। केमिकल वाली ब्लीच नहीं है, हर्बल ब्लीच है, ये घर की सामग्री की ब्लीच है और ये पैक की तरह है। इससे आपकी चेहरा ब्राइट तो होगा और साथ ही साथ ब्लीच का काम भी करेगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जो लाल नीचे सब्सक्राइब का बटन है इसे प्लीज दबा देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो देख लेते हैं कि इस ब्लीच को हमें किस तरह से बनाना है और इसे हमें किस तरह से यूज करना है। सबसे पहले हमें दोस्तों क्या करना है, हमें रॉ मिल्क लेना है। दोस्तों, उबला हुआ मिल्क नहीं लेना है, हमें कच्चा दूध लेना है। दोस्तों, हमें कच्चा दूध लेना है। मैंने यहाँ एक बाउल में 2-3 चम्मच कच्चा दूध लिया है। इसमें हमें इस तरह से कॉटन का लेना है, कॉटन, और हमारे पूरे चेहरे की हमें क्लींजिंग करनी है। बहुत ही अच्छा होता है, हमारे चेहरे को ग्लो करता है। कच्चे दूध के बहुत ही सारे बेनिफिट है। इस तरह से पूरे चेहरे से हमारे चेहरे की क्लींजिंग करने के बाद हमें इसको धोना नहीं है, इसी तरह से रहने देना है। इसके बाद हमें हमारे चेहरे को धोना नहीं है और इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने यहाँ एक कच्चा आलू लिया था। कच्चे आलू को हमें अच्छी तरह से धो के उसके पील करके हमें छन्नी में इस तरह से उसे लेना है और हमें उसका पूरा रस एक बाउल में हमें डाल देना है। इस तरह का रस हो जाएगा दोस्तों। और इस जूस में हमें कुछ ड्रॉप्स लेमन के डालने हैं। दो तीन ड्रॉप हमें इसमें लेमन के डालने हैं। इस दो चीजों से हमें हमारा चेहरे का ब्लीच करना है। अगर आप चाहे तो इसमें चावल का आटा डाल के पेस्ट की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हो। अगर ना चाहे तो आप इसको दो चीजों से भी आप अपने चेहरे को ब्लीच कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद हमें कॉटन की हेल्प से हमारे पूरे चेहरे को इस पेक को अच्छी तरह से हमें लगा लेना है और 2-3 मिनट तक हल्के हाथों से हमें मालिश करनी है। दोस्तों, ये पेक अपने पूरे चेहरे पे भी और जहाँ भी आप चाहे पूरे शरीर में, चाहे हाथ या पैर। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हर किसी की स्किन इक्वल नहीं होती है, किसी के हाथ पैरों की स्किन काली हो जाती है, तो आप इस पैक को पूरे शरीर में लगा सकते हो। दोस्तों, ये नेचुरल ब्लीच है और ये ब्लीच का भी काम करेगा और पैक का भी काम करेगा। अगर आप महीने तक आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपके जो डार्क स्पॉट होते हैं वो धीरे धीरे लाइट हो जाएंगे और ये ब्लीच का भी काम करेगा और आपके चेहरे के दाग तक कम हो जाएंगे। तो आप इसे पैक की तरह भी यूज कर सकते हो। पहले आप हर दिन यूज कर सकते हो और जब आपके चेहरे के डार्क स्पॉट वो धीरे धीरे लाइट हो जाए, कम हो जाए, उसके बाद आप इसमें हफ्ते में 2-3 बार भी इस्तेमाल ब्लीच की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, हमें इस पैक को आधे घंटे के लिए अच्छी तरह से सूखने देना है और इसके बाद हमें नॉर्मल पानी से या ठंडे पानी से अपने चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। दोस्तों, आप इस ब्लीच को हर दिन भी यूज कर सकते हो पैक की तरह। और ये हर्बल ब्लीच है, एक किसी भी केमिकल वाला ब्लीच नहीं है, ये आपकी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन मैंने जो भी ये चीज इस्तेमाल की है इसमें वो आपकी स्किन को अगर सूट होती है तभी आप इस ब्लीच को आप इस्तेमाल करना, और ना करती हो तो प्लीज आप इसको स्किप कर देना या फिर नहीं करना। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं इसी तरह किसी अच्छे और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।